Yeah. Yo, what's it? Come on, say it, baby. You just arrived live. के एक और पैसा बता रहा हूँ इसमें 130 सेशन का इसमें टायर मिलेगा ना कि पीगा भाई इसका जो पीगा BS7 कहते हैं लोग लेकिन ये BS7 नहीं है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस पता है आज अपन लोग आए थे सिर्फ एक न्यू बाइक की डिलीवरी की भाई को बधाइयां देने, जो कि अपने दिनेश भाई है और स्कूल के बहुत प्यारे मित्र हैं, मतलब अपने बहुत अच्छा भाई है, भाई बंदा बहुत अच्छा है। और भाई उसने NS160 निकाली है, अब उससे थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं कि मतलब उसने कैसे निकाली, क्या है। भाई आपको इस ब्लॉग में उसकी काफी सारी डिटेल मिलेगी और बहुत सारी बातें उसकी बारे में, मतलब बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको, क्या बताऊं, मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है आपको पहले ब्लॉग में। वो भी दिनेश भाई देंगे अपने कि क्या क्या हुआ, कैसे निकाली हमने ये गाड़ी और क्यों निकाली है, सब कुछ दिनेश भाई बताने वाले हैं अपने। अभी भाई गाड़ी दिखा सकता हूँ मैं आपको, भाई गाड़ी आपकी ये रही और भाई NS है ये, 160 है भाई, गाड़ी बहुत प्यारी है, लुक बहुत प्यारा है इसका। तो भाई दिनेश भाई है, दिनेश भाई आपको बहुत बधाई है इस गाड़ी की। तो दिनेश भाई आपने जो ये गाड़ी निकाली है वो किस चीज़ के लिए निकाली है आपने? व्लॉगिंग के लिए निकाली है और मैं डेली यूज के लिए भी करता हूँ, इसलिए निकाल लेती। अच्छा, इस ऐसा है, आपको मतलब यही गाड़ी क्यों पसंद आई? और एवरेज भी अच्छा है और कुछ परफॉर्मेंस भी बहुत, और कुछ इसके बारे में? तो देख सकते हैं यार, मतलब पहले से काफ़ी अच्छी बना दी है ना, मतलब इसका परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई है। हाँ ये भी ठीक है, पहले से ज्यादा भाई रिफाइनमेंट ना, हाँ जी, मतलब तुम पहले से ज्यादा अच्छी मिलेगी। और इसके ना, हाँ जी, इसके टायर को गौर से देखो, मतलब 130 सेशन का इसमें टायर मिल चुका है भाई, मतलब इसकी वजह से ना गाड़ी लीन करती है और ज्यादा, मतलब बाइक को ना और ज्यादा स्पोर्टी लुक देगी ये। अच्छा, ये चीज सबसे बढ़िया इसमें। और उससे अच्छी चीज तुमको और, मतलब इसकी ना गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और इसको मतलब और अच्छी बनाने के लिए, लाइट वेट के लिए, इसमें देखिए USD बॉक्स अप साइड आउट कर दिए और जो इसका डिस्क सेक्शन देखोगे ना जी, हाँ, और इसकी जो डिस्क है ना जी और ज्यादा बड़ी कर दी है। अच्छा, ताकि ब्रेकिंग और अच्छी हो। बिल्कुल ठीक है, इसे मतलब ब्रेक वगैरह और इंक्रीज कर रही है, इसके पहला मॉडल था, हाँ जी, मतलब इससे थोड़ा सा और ज्यादा लाइट कर दिया और ज्यादा, मतलब जो कलर हुआ है इसके, अब भाई पहले का व्हाइट कलर दिख लो और इसका पीछे जाके इसको व्हाइट कलर दिखा दो, मजा आएगा। लो गाइस ये भी दिखा सकते हैं भाई साहब, ये बात तो हकीकत है, तो भाई पीछे से जाके भाई कलर गाड़ी का और भाई जो लुक आ रहा है ना भाई, गजब है। पर भाई हमारे साथ एक गलत काम हुआ है कि हम जो कि अंधेरे के टाइम में आए हैं भाई, दिन में नहीं आ पाए। पहले के लोग पता है क्या, मतलब लोग क्या कहते हैं, मतलब वाइट कलर बहुत बेकार लगता है भाई। जब ये कलर निकला ना, हमारी नजर सबसे पहले इसमें गई और पता है मैंने, सबने ये कहा क्या भाई, जब गाड़ी निकाली लोगों ने कहा भाई वाइट कलर कैसा है भाई, डैनी का मतलब भाई डैनी का चेहरा दिखा दो, इसका भाई सब लोग इससे कहते भाई वाइट कलर बहुत बेकार है। मैंने कहा ना ठीक है, बहुत बेकार है भाई, जब इस गाड़ी को सामने आ लेंगे ना भाई तब पता चलेगा भाई कितनी ब्यूटीफुल लगती है भाई। भाई गाड़ी तो है, बढ़िया गाड़ी है यार, बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई, नजर नहीं हटती है भाई, 200 जैसा ही है, बाकी सीसी का फर्क है भाई, 200 और इसमें कोई फर्क नहीं है। तुम्हें 200 में बताई एक एक किक का ऑप्शन भी मिलेगा और ये किक के फीचर्स भी रखेगा। अच्छा अच्छा, यहां ले ये चीज नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ ठीक है, ये भी सही कहा। एक और मेजर चेंज बता रहा हूँ इसमें, NS160 को एक और पहचान बता रहा हूँ, इसका जो इंस्ट्रूमेंट कलर से देखो, जो तुम्हें 200 में मिलता है वो ब्लू कलर का होता है, इसका येलो थोड़ा येलो कलर में है, ये पूरी लाइट येलो कलर में। हाँ ये भी ठीक है भाई, इसमें एक चीज और भी होगी ना, इसका जो टाइमिंग है, इसमें हम बार बार घड़ी निकालते हैं टाइम देखने के लिए, बगैर इसमें टाइम भी आएगा, सब आएगा भाई, तुम्हें कोई अंतर नहीं मिलेगा भाई, परफॉर्मेंस देख लो कुछ भी देख लो, अभी तक थोड़ा सीसी वगैरह में फर्क पड़ेगा कि, लेकिन इसकी लॉन्चिंग ना भाई तुमने खुद चला के देखी भाई, क्या मतलब मजा आ गया। हाँ भाई ये तो है भाई, गाड़ी में भाई लोगों को भी लगता है 5 से 10 सेकंड में आराम से चली जाती है। हाँ आराम से भाई, पहले से ज्यादा रिफाइंड भी है पहले की गाड़ी में और पहले के बजाज के इंजन में, मतलब आपको ना इसमें क्या देखने को मिलेगा, वाइब्रेशन काफी ज्यादा। हाँ ये भी ठीक है, आपकी गाड़ी भाई वाइब्रेशन बहुत कम मिलेगी, ये चीज़ मैं भाई मैं इतने टाइम से चला रहा हूँ, हमारा इतना लंबे भाई 100 किलोमीटर जाने का हो जा रहा है, अपनी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन भाई अपने अंदाज से बता रहा हूँ कि भाई ये मुझे देखने को मिला है, बाकी आगे पता चलेगा क्या है इसका। 4 दिन में भाई बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले। अच्छा आपको 4 दिनों के लिए वैसे? मेरे को नहीं भाई, मैं अपना अच्छा आप चला रहे हो फिलहाल, मतलब डैनी से ज़्यादा मैं ही चला रहा हूँ,
मतलब मेरे हिसाब से इसकी कटवट मारने में बहुत प्यारी गाड़ी है ऐसा सुना मैंने, पूरी लीन हो जाती है भाई गाड़ी है ना। चैनल एबीएस और के चाहिए अगर तुम ब्लॉग बनाते हो आते तो वो पता चलता है किसी लीन करते हो जा रहा हूं। अच्छा क्या करते हो मेरा, अभी ये पूरा छूना बाकी है 130 सेशन का टायर, तो भाई इसका भी थोड़ा फायदा उठाऊं। बिल्कुल ठीक है, अगर ये घिसेगा तो 150 सेशन का टायर लगाना पड़ता है। भाई मुझे गाड़ी लीन करनी है, परफॉर्मेंस चाहिए तो चाहिए। ये भी ठीक है यार, ऐसा कर ओनर को भाई, ओनर पे इसको देखो जरा भाई, ओनर को भाई यही डला है मेरे को, ऐसा घिसेगा ये डला है अच्छा। देश भाई आपने जो ये गाड़ी ली थी वो मतलब कैसे ले पाए आप? अच्छा आपने डाउन पेमेंट कितना दिया था? डाउन पेमेंट मैंने दिया, हाँ जी, ये ₹2,38,000। अच्छा आपको 2,38,000 की पड़ेगी किस्तों में, मतलब तीन साल किस्तों में। और अगर कैश पूरा ले रहे तो ऑन रोड 1,72,000 डुअल चैनल एबीएस और सिंगल चैनल 1,62,000। अच्छा 10,000 का अच्छा भाई, आपको मतलब गाड़ी यही पहले से ही चूज आपने यही करी थी या फिर और कोई सी थी? क्यों आपको जैसे एमटी भी है, इतनी प्यारी गाड़ी है एमटी आपकी, और अभी N160 तो और ये निकल ली है, भाई इसकी वह लाइट चलाओ, लंबी गाड़ी भी शॉर्ट है। अच्छा इसकी एलईडी नहीं है, हैलोजन दी लगी इसमें, आगे सामने को। अच्छा ऐसा है, पैसे कुछ इकट्ठे किए हैं पापा से ऐसा कुछ? किस्त तो तुम भरने वाले हो, तो मतलब आपने अभी तक इसकी कितनी स्पीड में भगा रखी आपने? 112 भगा दी। अच्छा उसके बाद जाएगी तो अभी आपने कितने, 4-5 दिन हो रहे हैं ना, कितने हो रहे? 1 हफ्ता, मतलब 1 हफ्ता हो चुका है आपको, 1 वीक भाई, 1 वीक हो गया भाई, 528 भाई, भाई ने चला भी दिए, और 1 वीक में आप देख सकते हो आपकी वो गर्लफ्रेंड है। ये क्या बोल दिया? नहीं है क्या? नहीं नहीं यार, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मतलब आपने अभी तक अपने मम्मी पापा या गर्लफ्रेंड किसी को नहीं बिठा रखा? मम्मी को बिठाया था। अच्छा मम्मी ने, मतलब मम्मी बैठी तो ठीक बढ़िया, बट भाई जो इसकी सीट है ना भाई बहुत कंफर्टेबल है बैठने वाले के लिए। बकाया इसके मीटर वीटर आपने देख लेंगे, बकाया सब टोटली -200 की तरह है टोटल भाई, और कुछ नहीं है, टोटल 200 है भाई, बस सीसी में फर्क है थोड़ा सा। सही है, हाँ मतलब ठीक है, कभी बाई चांस डाउन हो तो एक स्टार्ट कर सकते हैं राइडर 125 भी देखो, उसमें भी ठीक नहीं मिली है। हाँ ये तो भाई मिल रही है, बहुत बड़ी बैकअप के लिए, कभी भगवान ना करे तुम्हारी बैटरी खराब हो जाए, गाड़ी अचानक से बंद हो जाए, करंट नहीं दे रही है भाई, सबसे अच्छा ऑप्शन तुम्हारा किक है। हाँ भाई ये बात तो भाई आप ठीक कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, मतलब आपने सही लिया, मतलब VS7 में ये वैसे। अच्छा हाँ एक चीज और बताना भूलिएगा इसमें आपको भाई, जो ये 20 है ना इसका मतलब आपको इसके बारे में पता है क्या है ये? हाँ ये है ना एथेनॉल होता है। हाँ जी, तो अब इसमें ऑप्शनल हो गया तुम्हारी गाड़ी में कि 20% तुम एथेनॉल डाल सकते हो। हाँ। और बाकी 80% तुम अपना पेट्रोल है वो डाल सकते हो, कैसे भी डालो परफॉर्मेंस डालो, ये एनवायरमेंट के लिए बना रखी मेन चीज। अच्छा उससे भी चल जाएगी, वैसे VS7 कहते हैं लोग, लेकिन ये VS7 नहीं है, 0.2 है। अच्छा सिंपल भाषा में VS7 ही होगी। तो भाई अभी हम आ गए हैं आपका देखने के लिए कि ये इसकी टॉप स्पीड कितनी है और कैसे दौड़ेगी, मतलब कितनी दौड़ सकती है, हम जहाँ तक है वहाँ तक इसको फुल स्पीड में दौड़ा सकते हैं। और अभी देखते हैं कि इसको भाई, ये जीतपुर की रोड है, मतलब यहाँ से जीतपुर को आगे से इधर से आगे एक रास्ता जाती है जीतपुर के लिए, वहाँ आ रखे हैं। और भाई इसकी अभी टॉप स्पीड चेक करिए, देखते हैं अभी कैसी आएगी स्पीड, इसी रोड में चेक करने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ी कम चलती है ना, इसमें ट्रैफिक कम रहता है, इसलिए इसकी टॉप स्पीड चेक कर सकते हैं हम, नहीं तो फिर और जगह देखते हैं। अभी देखते हैं चल के करते हैं इसकी टॉप स्पीड। तो भाई इसकी टॉप स्पीड अभी देखते हैं और मैं जहाँ तक है वहाँ तक इसको दौड़ा के देखता हूँ कितनी दौड़ेगी कितनी दौड़ेगी। तो जय श्री राम। पहले गियर में गाइस देखते हैं कितनी दौड़ती है भाई, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी ये पहले गियर में, और ये दूसरे गियर में इसको देखते हैं भाई, दूसरे गियर में 57 तक गई थी, तीसरे गियर में भाई मैंने गाड़ी आगे जाने से। और गाइस ये इसका पिकअप जो है ना भाई साहब बहुत खतरनाक ही पिकअप है भाई, इसका जो पिकअप है भाई, इसमें भगाने में जो मजा आ रहा है और कंफर्टेबल बहुत अच्छी है भाई, ये गाड़ी जो भी लेगा ना भाई बहुत अच्छे से दे सकते हैं।
भाई मजा आया। चले ये बट खान पंगे जा।